हेलो एवरीबॉडी, सेंटर ऑफ मास को आगे पढ़ा जाएगा। तुमको सर्दी लग रही नहीं लग रही? ठीक है, सेंटर ऑफ मास में कोलिजन पर आ गए थे अपन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन हो गए थे। तो एक कोलिजन होता है 1D कोलिजन। 1D कोलिजन में क्या होता है भाई, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम रहते हैं। ठीक है, आओ घबराने की कोई बात। तो देखिए 1D कोलिजन की बात करेंगे और इसी को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं भाई? हेड ऑन, खोपड़ी से खोपड़ी टकराना। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन, खतरनाक टक्कर। ठीक है, इसमें जो भी टक्कर होगी एक ही लाइन पर सब कुछ निपट जाएगा। ठीक, हेलो। हाँ, तो अभी देखिए, मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है जिसका मास है मान लीजिए 2 किलो m1। इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल नहीं ऑब्जेक्ट, पार्टिकल नहीं, क्या लिया जाए, ऑब्जेक्ट। ये एक मास है m1, एक दूसरा मास है m2। ठीक है, ठीक नहीं लग रहा जी? डबल क्रॉस को, ये एक मास है m1, दूसरा मास क्या है m2। अभी ये चल रहा है किसी वेलोसिटी u1 से, ये चल रहा है किसी वेलोसिटी u2 से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अभी अगर टकराएंगे तो बताओ u1 ज्यादा या u2 ज्यादा? u1 ज्यादा होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, अभी कोलिजन हो रहा है तो अभी ये एक समय आएगा जब टक्कर, अभी अभी टक्कर थोड़ी हो रही है, जब टक्कर हो रही होगी तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो अभी आप देखोगे कि ये अभी दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, टकराना शुरू कर रहे हैं, है ना? क्या हो रहा है इस समय? अभी इसकी वेलोसिटी u1 ही है और इसकी वेलोसिटी u2 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अभी क्या होगा, अब टक्कर शुरू हो गई और u1 ज्यादा है और u2 कम है, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ रहा होगा और ये इसको धक्का मार रहा होगा, तो ये भी कह रहा होगा वही धक्का मार रही है, ये भी इसको धक्का मार रहा होगा, है ना? नहीं मार रहा होगा। और अभी इनके जो शेप है वो डिफॉर्म हो रहे होंगे, है ना? तो अभी ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पीछे वाला तेज है और आगे वाला धीमा है, तो पक्का ही उसको धकेल रहा होगा, वो उसको धकेल रहा होगा, तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे और डिफॉर्मेशन चल रहा होगा। समझ रहे हो बात को? तो अभी ये कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आप देख रहे हो ये दो ऑब्जेक्ट ऐसे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट में आ चुके हैं। तो इस समय दोनों की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, सेम हो चुकी होगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर हो चुकी होगी। सेम हो गई तो आप बोलोगे mu प्लस m1u प्लस m2u अपॉन m1 प्लस m2, वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है ना, अगर एक ही साथ चल रहे हैं तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो सेम ही होगी। अब क्या होगा, अब रिफॉर्मेशन हो सकता है। अगर रिफॉर्मेशन होगा तो आपको दिखाई देगा कि ये अब एक दूसरे को अभी भी धकेल रहे हैं, यहां से यहां तक ये जो पहला ऑब्जेक्ट था ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा था और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा था कि नहीं? अब क्या हुआ, इसके बाद की सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये अभी भी किधर की तरफ, इस पर इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन भी, है ना? तो अभी फाइनली एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होना शुरू होंगे और एक समय आएगा जब ये दोनों पूरी तरह से लगभग अलग हो चुके होंगे और इस समय जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हो चुकी है मान लो कितनी, v2, और इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v1। अब अगर ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो v2 ज्यादा है कि v1 ज्यादा है? ऑब्वियसली v2 ज्यादा होगा। तो यहां पर आपने कहा ये कोलिजन समाप्त हुआ,
थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको देखोगे तो पहला ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे दिखाई देगा V1 से चलता हुआ, और वो आगे वाला की स्पीड ज्यादा थी, इनके बीच में सेपरेशन आना शुरू हो चुका होगा और सेपरेशन आ गया होगा। तो यहां पर कोलिजन हुआ शुरुआत, यहां पर कोलिजन हुआ खत्म। ये आप बीच में टक्कर के दौरान के ऑब्जर्वेशन है। तो दिस पार्ट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। क्या कहलाता है ये? डिफॉर्मेशन। एंड दिस पार्ट इज रिफॉर्मेशन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? अभी ये बताओ कि कोई बाहर से फोर्स लगा है क्या? नहीं लग रहा है बाहर से फोर्स। तो अभी अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप कहोगे जब बाहर से फोर्स ही नहीं लगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो आप यहां पर एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इक्वेशन लिखोगे, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको UCM लिखो चाहे VCM लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू, यू कैन राइट M1V1 प्लस M2V2। यहां तक कोई इश्यू है क्या? नहीं। ठीक है, अभी यहां पर आप देखोगे कि इस पूरे प्रोसेस में, जो कि डिफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, ये डिफॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो अगर ये डिफॉर्म हो रहा है, मान लो कि ये बॉल, ऐसे थोड़ा अज्यूम करो कि ये इलास्टिक बॉल्स हैं, इलास्टिक बॉल्स हैं, तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ होगा इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई हुई डिफॉर्मेशन में, और ये वापस रीगेन कर सकते हैं अपने एनर्जी को। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये जो यहां पर इधर से इधर तक के स्टेट में कुछ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुकी होगी, नहीं? तो इसका मतलब है इस यहां से यहां तक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, हुआ होगा। अब क्या होगा कि चूंकि ये रिफॉर्म हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी। ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस में जो भी है वो आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी की क्या हो रही है, कमी, और इस वाले पार्ट में यू आर गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो लॉस बताओ, तो आपको कि बहुत आसान है भाई, हमने इसको पहले ही कर रखा था, ये आ जाएगा हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 यू रिलेटिव स्क्वायर। यू रिलेटिव को आप लिख सकते हो U1 माइनस U2 या U2 माइनस U1। अभी मैंने कहा लेकिन इस वाले प्रोसेस में रिफॉर्मेशन में गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा, अरे आएगा कि नहीं? तो गेन कितना आएगा? आप कहोगे 1 अपॉन M1 अपॉन 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 वी रिलेटिव स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कुछ लॉस हुआ कुछ गेन हुआ, है ना। अब मैंने कहा यार जो लॉस हुआ है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इस प्रोसेस में अगर मान लो जो लॉस हुआ है वो हुआ है 20 जूल, कितना लॉस हुआ, और इस वाले प्रोसेस में अगर गेन हुआ है मान लो 12 जूल, तो बताओ टोटल कितना लॉस हुआ? 8 जूल। कैसे बताया आपने? आपने कहा लॉस में से गेन को हटा दो तो लॉस बचेगा, एग्जैक्ट लॉस, नेट लॉस, नहीं? पक्की बात है? मैंने कहा ये तो बात ठीक है। अच्छा, जितना लॉस हुआ अगर उतना ही गेन हो जाए तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ। ऐसे कोलिजन को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में का कोई लॉस नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यहां पर काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो यहां पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा, और फिर वो रिफॉर्मेशन में वापस पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपको मिल चुकी होगी। सो यू कैन से दैट इन इलास्टिक कोलिजन टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन। क्या काइनेटिक एनर्जी इस कोलिजन में कंजर्व है? आपको कि दिमाग खराब है, लॉस हुआ था फिर गेन हुआ तो कंजर्व कैसे? क्या इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? नहीं नहीं नहीं, बीच में एनर्जी कम हुई थी काइनेटिक एनर्जी, बाद में ज्यादा हुई, तो कंजर्व कहां है? बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन आपको पता है कम हुई थी, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है,
पहले थोड़ी कम होगी फिर वापस मिल जाएगी, अलग बात है, बट कंजर्व होने का मतलब है कि एट एवरी मोमेंट यू आर हैविंग सेम वैल्यू। तो अभी आपको पता है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है, और फिर बढ़ेगी मैक्सिमम अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैक्सिमम है, समझ गए बात। तो क्या इलास्टिक कोलिजन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? क्या इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम है? है। क्या इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व? नो 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 नो, है ना, दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है आपको। तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बट इट इज नॉट कंजर्व, बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन इन बिटवीन वी नो दैट सम काइनेटिक एनर्जी वी विल लूज एंड देन वी विल अगेन गेन इट, सो दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन सेम। लेकिन बीच में तो कम होगी भाई सब, होगी तो कंजर्व तो नहीं कहते इसको। कंजर्व होने का मतलब सेम, एवरी मोमेंट पर सेम रहे। हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, कब? इलास्टिक कोलिजन में। कौन से कोलिजन में? अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो ये जो कंडीशन है, क्या ये इलास्टिक इन इलास्टिक की मोहताज है? आप कहोगे इट हैज नथिंग टू डू विद इलास्टिक और इन इलास्टिक, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ एक बात से लेना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोलिजन चाहे वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल हो, हेड ऑन हो, ऑब्लिक हो, कैसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, मोमेंटम हैज नथिंग टू डू विद टाइप ऑफ कोलिजन। ठीक है, समझ गए बात, नथिंग टू डू विद टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन किस तरह का है इसका इससे कोई लेना देना नहीं, बस अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे। कोई पूछेगा कि क्या इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है? आप कहोगे इन इलास्टिक में हो, हेड ऑन में हो, ऑब्लिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक में, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो एवरी टाइप ऑफ कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज नथिंग टू डू विद टाइप ऑफ कोलिजन, क्लियर रहेगी? ठीक है। अब क्या है कि वो आदमी जो बहुत देर से ये सब देख रहा था वो आ गया बीच में, उसका नाम था न्यूटन। उसका नाम क्या था? वो आ गए, कहने लगे अरे क्या ही चल रही है, हमने कहा चल रहे इलास्टिक इन इलास्टिक की बातें चल रही है। ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दी, इन्होंने क्या दे दिया? एक इक्वेशन दे दी जिसका नाम रखा गया इंपैक्ट इक्वेशन, न्यूटन्स इंपैक्ट इक्वेशन। ये आदमी बैठा रहता है, कुछ कुछ कर देता है, बीच में कहीं भी घुस जाता है, है ना, हाँ सिलेबस बढ़ाता रहता है, कोई काम दाम तो है ना। ठीक है, तो इन्होंने ये आ गए बीच में, इन्होंने कहा भाई देखो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं। मैंने कहा देव भाई साहब, इन्होंने क्या लिखा भाई? कुछ तो लिखा था इन्होंने, इन्होंने लिखी एक इक्वेशन जिसको इन्होंने लिखा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। इन्होंने ये इक्वेशन दी, इसमें इन्होंने थोड़ा इसको समझाया कि देखो ऐसे तो ये आप लोग गरीब लोग हो, आप लोग ऐसे लिख रहे हो। इन्होंने कहा कि जो यहां पर एक टर्म दिया e, ये इनसे पूछा कि अब ये क्या है भाई? इन्होंने कहा दिस इज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमने कहा भाई साहब ऐसे नाम रख रहे हैं, क्या नाम रखा इसका? रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन। प्रत्यास्थ था गुणांक। ठीक है, इन्होंने कहा इसके बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि कोलिजन का टाइप कैसा है। क्या बताया? अभी अगर आप थोड़ा सा इसको देख पा रहे हो तो आप ई को अगर आप लिखना चाहोगे, बोर्ड पर नजर रखिएगा, ये यहां पर जो लिखा हुआ है
इज इक्वल टू, सॉरी ये v2 टू माइनस वी वन अगर आप देखोगे तो आप कहोगे इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ, और ये u1 माइनस u2 को अगर आप देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि जगह बहुत कम बची है भाई साहब, आ जाओ क्या लिखोगे इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, समझ रहे हो बात को क्यों भाई, समझ रहे हैं आप, ठीक है ठीक है वापस आ जाओ। अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू, हमने कहा ये जम नहीं रहा है भाई सर, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए लिख रहे क्या, उनका अपना मजा आ रहा है उन्हें, वो अपने मजे में ले गए, यहाँ हमारी हालत खराब। हमने कहा अच्छा ठीक है जो भी है अच्छा है, मैंने इसको लिखा बी रिलेटिव वेक्टोरियली इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ यू रिलेटिव। अब ये माइनस कहां से आ गया यार बीच में, तो मैंने नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी ये v2 टू माइनस वी वन क्या है और ये u1 वन माइनस यू टू क्या है अप्रोच है, ऊपर वाली लाइन तो बढ़िया है नीचे वाली लाइन में पंगा हो रहा है। इन्होंने कहा देखो ये पहला ऑब्जेक्ट था इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था इसकी वेलोसिटी कितनी थी u2 इज इक्वल, अब ये फाइनली जब कोलिजन हो गया पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई v1, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई थी v2। इन्होंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है किसी एक से डिसाइड कर ले, किसी एक से डिसाइड करो, तो हमने कहा अगर इसको ऑब्जर्वर बनाते हैं मान लो तो आप कहोगे ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, इसको ऑब्जर्वर बनाओगे तो आप कहोगे ये आएगी u2 माइनस u1, अरे सॉरी ये तो v रिलेटिव है ना, यहां से निकालो इसको ऑब्जर्वर बनाओ तो आप लिखोगे यहां पर v2 माइनस v1, नहीं लिखोगे इज इक्वल टू माइनस बाहर लगा हुआ है, और इसको ऑब्जर्वर बनाओगे तो ये क्या बताएगा u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 अपनी वेलोसिटी उल्टी करके देगा, तो देखो वही वाली लाइन आ गई नहीं आई, तो इसको न्यूटन तो ऐसे लिख देते, हमने कहा समझा दिया करो ऐसे लिख देते हो कुछ भी, ये बी रिलेटिव का मतलब चाहे वन को ऑब्जर्वर बनाओ, उन्होंने कहा चाहे टू को ऑब्जर्वर बनाओ, तो लिख सकते हो ऐसे बी रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स ऑफ यू रिलेटिव, कोई इश्यू थोड़ी है। तो न्यूटन की बात समझ, मेरे को क्या ना पंगे पसंद नहीं, मैं तो ये वाली लाइन मैंने रट्टा मार रखा है, आपने देखा होगा मैंने डायरेक्ट लिख रखा था इसको v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, ठीक है। अभी न्यूटन की बात समाप्त नहीं हुई, उन्होंने कहा देखिए अगर e की वैल्यू जीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, हमने कहा ये अच्छा लग रहा है यार एग्जैक्ट क्वांटिफाइड टर्म्स में बता रहे, अब थोड़ा अच्छा लगा कि अगर e की वैल्यू जीरो है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर e की वैल्यू वन है तो इलास्टिक है, हमने कहा ये आप यार तेज आदमी हो, उन्होंने कहा वो तो सबको पता है, हमने कहा ठीक है ना, तो इलास्टिक कोलिजन, और अगर e की वैल्यू लेस देन वन है तो हम कहेंगे तो इनइलास्टिक है, और वन से कम है लेकिन जीरो ही है एग्जैक्टली तो आप कहोगे फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, तो परफेक्टली इनइलास्टिक इज इनइलास्टिक कोलिजन, तो ये इन्होंने इसको नाम दिया इनइलास्टिक, ठीक है। तो अगर e की वैल्यू जीरो से ज्यादा और वन से कम है या जीरो के इक्वल भी तो इस टाइप के कोलिजन को क्या कहेंगे इनइलास्टिक। ये अलग बात है कि e इज इक्वल टू जीरो को स्पेशल नाम मिला हुआ है, हाँ मिल जाता है ऐसे लोगों का नाम, क्रिकेट में खेलते हैं लोग आप एक का नाम कप्तान रख देते हो क्यों भाई, रख देते ठीक है, तो समझ गए बात को। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, कौन सी दो इक्वेशन, ये पूरा कोलिजन आपके सामने, आप दो इक्वेशन बनाओगे एक मोमेंटम कंजर्वेशन वाली और एक इंपैक्ट इक्वेशन, और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, इसको आप जल्दी से देख लो, जो छापना है छाप लो,